आइए दोस्तों, मैं इस YouTube वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जानकारी प्रदान करता हूँ। प्रत्येक परिवार को राशन किस आधार पर मिलता है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जो राशन के हिसाब से सामग्री वितरण किया जाता है, उसका भी एक निश्चित नियम कानून तौर तरीका बनाया गया है। दोस्तों, इसमें प्रत्येक राशन कार्डधारी को राशन सामग्री मासिक पात्रता के अनुसार से मिलता है और उसका एक निश्चित दर शुल्क लिया जाता है। दोस्तों, प्रत्येक परिवार को राशन चावल सदस्यता के हिसाब से प्रदान किया जाता है। दोस्तों, एक सदस्य 10 किलो, दो सदस्य 20 किलो, तीन से पांच सदस्य होने पर 35 किलो और पांच से अधिक सदस्य होने पर 7 किलो प्रति सदस्य के हिसाब से चावल राशन प्रदान की जाती है। दोस्तों, इसकी दर जो है, इसका मूल्य 1 रुपये प्रति किलो के हिसाब से लिया जाता है। नमक अनुसूचित क्षेत्र में 2 किलो, गैर अनुसूचित क्षेत्र में 1 किलो, जिसका किसी प्रकार से कोई मूल्य या पैसा नहीं लिया जाता है। दोस्तों, चना समस्त अनुसूचित क्षेत्र एवं बड़ा पैकेट में 2 किलो, 5 रुपये प्रति किलो की दर से। उपरोक्त राशन सामग्री के अलावा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित अन्य आवश्यक वस्तुएं यथा शक्कर एवं केरोसिन, मिट्टी तेल पात्रता अनुसार प्रदाय किया जाता है। दोस्तों, मैं आप लोगों को इस YouTube वीडियो के माध्यम से जानकारी प्रदान किया कि प्रत्येक राशन कार्डधारी को शासन के नियमानुसार कैसे राशन प्रदाय किया जाता है इसके संबंध में। दोस्तों, मेरे चैनल में बने रहें, नई नई कानून की जानकारियां प्राप्त करते रहें। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। कानून का जानकार व्यक्ति बने, सुंदर भारत निर्माण में अपना विशेष योगदान प्रदान करें। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।